किंतु एपटे आउ किसी लोक अच्छा से माने निजर स्वार्थ प्रति पाई निजक बा निज पुओ को से कल्कि बोली घोषणा करचंती मदमाछ मांस भक्षिणा थके होइबे दास ठक माने प्रभु होइणा बुली करिवे शिष्य ठक भंड माने चतुरपण देखेरी कूक किमिया देखेरी सब लोक ठकिक निजी भगवान बोली कहे तेणु आज जी कलीजुग निजी भगवान बोली कहूँ अच्युतानंद महापुरुष भाषा जी आत्म प्रशंसा करवा आत्महत्या सहित सामान होता है चैतन्य चरितमृत प्रसन्न दास गोस्वामी लिखिले अवतार कहे ना आमी अवतार पुणि नोहि कवि अच्युतानंद कह जोगी जोगी हाँ बर मगुरी जतींद्र मुहबे साधु सत मध्य केवल प्रभु मरण बेल को शरण तोर चरणी एव अच्युत बोले महाप्रभु परित्राण लभिव मरण बेल को शरण कौ दिन मरवि जे कह आम कही पार ना 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 क्यों दिन क्यों बरस क्यों बेलर मृत्यु कहूँ जा कहीं रही मोर नोहिला हेतु लिखिले अष्टुजे क्यों दिन कहार मृत्यु केतबले हम कहीं कहीपरिवे किए कह से जोगी जी ही थी चित्रपला नदी उत्तरे ग्राम ने माल स्थान से स्थान देह रहीब मोर यही ध्यान तुम्भ सेवा कहूँ जानी तुम्भ भक्तर सेवा प्रभु आपण भक्त हबार योग्यता मो भर ना आपण छाकर भक्त तार मत सेवक छाकर करूँ मोर किसी दरकार ना ये कथा जी कहीपे आगुटी उठे धन लोड़ा ना भाव ही लोड़ा मो धन लोड़ा धन माग नी कहीं चाहते आनीपारे किंतु किछि नै नदी बरगछ तले टीणा आजबेस्ट तले ताकर साधना समाधि पीठ किंतु आज आम तांको उपर आंगुटी उठाऊे पंचशका उपर आंगुटी उठाऊे कहीं कौ अधिकार उठे सनातन धर्मर डंगा जिते ओडिशा माटी बुड़ी जावाक बसी आज को 600 वर्ष तले मोगल मानक आधिपत्य ओडिशा माटी उपर से धर्मांतकरण जिते चारिड़े बढ़ला आप देखिए ओडिशा छाड़देले अन्य राज्य में जिते धर्मांतकरण होनी कहीं ना पंचशका मैंने जन्म हो जगिले एम जगिले वैष्णव धर्म को यह सत्य सनातन धर्म को एमने प्रचार कले अन्य धर्म प्रवेश कर धर्मांतकरण बढ़ी पारा ना विष्णु जी तार गृहे जन्म जशवंती नामे ब्राह्मणी तागर भी जन्म चक्रपाणी कलकी रूपे अवतार होइबे परमेश्वर यहाँ कौन मिश्र तेल भागवत लोक घर रखते से पेजटा काटिक फोबाड़ दवा भागवत जदि पढ़ुचे घर रखीचे कहीं रखुचे आप पढ़ुं पढ़ुचार तो मानुंत ना आप जयदेव जब पढ़ुंत दशवतार मानु पढ़ुचार मैंने आप ग्रहण कर पढ़ी ना पढ़ी ना तेणु जयदेव दशवतार हो व्यास संस्कृत भागवत हो ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास हो कल्की पुराण लिखाई कल्की विष्णु जसा नाम दुईज काल प्रचोदित उत्पत्त्य महावीर्ज महाबुद्धि पराक्रम समुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसति शुभे मनसा तस्य सर्वाणी बाह नान्यांगुदा नीच कल्की पुराण से एक कथा लिखा है ये कौन मीछ ना तो ये सबुथर कल्की अवतार कथा वर्णन रही किंतु कल्की अवतार किए ये कथा क्या इंडिकेट व्यक्तिगत भाव में कई के जो कहते कल्की मो पुखिले महापुरुष लिखिज महीरे चलिए चिन्हा न पड़ो ये मंत पुरुष जही शिवगल्प लिखिले निश्चय ब्रह्म मुनि अवतार श्रेणी अटंते नंद तनई से कहे महीरे चले जाए चिन्ह पड़े नहीं चिन्ह पड़ा अलग कथा आम अलौकिकता आड़क जावानी अलौकिकता चिन्ह आम महीरे चलने चिन्ह पड़े चिन्ह चिन्ह कहे पाद चिन्ह पड़े ना यहाँ अलौकिकता आड़ पड़ जाए बर्तमान विज्ञान जुग विज्ञान जुगर अच्युतान लिखिते ज्ञान को कह खातिर नढ़ विज्ञान भाव शिवकल्प लिखिले चंद्रमंडल लोके पशिजे थोके हाउ हाउ दिने समय आसो कलीजुगर लोक चंद्रपुरी पहुंच घर या रहा क्या चिंता करें केतबले पशे मालिका के शतकोटी पदर आप देखत रमणी हाथ शासन चंद्र पर जीव क्षपण जान
रमणी कहले नारी आम भारत राष्ट्रपति किए अच्छे नारी रमणी हाथ में इंदिरा गांधी नारी थी समय जाता चंद्र रमणी हाथ में थी शासन चंद्र पर क्षेपण जान हई चई पड़ी जीव शैले जन बढ़ुवे अति गले भारत जनसंख्या सारा विश्व को टपी थी आप देखते भारत जनसंख्या चाइना को टपी टपी तेना मालिका देखते सत आ गोटे पद मालिका सत बोलिक प्रमाण दौ शिवकल्प नवघन निर्घन लिखिले अच्युतानंद कह खड़िकार खड़ी बणा हो तिथि लगन न मिल म्लेच्छनी वारणी प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव कहले खड़िकार खड़ी बणा हो खड़िकार कहले पांजिका पांजिकार मान बणा हो कहीं कौन पर गणा हे ना तिथि लग्न न मिले तिथि लग्न आपर्ष श्रीगुंडीचा रथयात्रा ठारु तिथि लग्न सब देखते तिथि लग्न विभिन्न पांजी विभिन्न से आलोचना करापर देखिए दुर्गा पूजा से तिथि लग्न ठीक ना तापर देखो कुआर पूर्णिमा कौदिन कुआर पूर्णिमा पालन करेंगे झील मैंने से कथा कहते विभिन्न पांजी विभिन्न मत तापर काली पूजा पड़ा दीपावली कौदिन दीपावली 31 तारिख 1 तारिख पालन हम सी मध्य 600 वर्ष तेज़े देखी थे केत आप बुझी बुझाई पाइले मालिका हूँ ठीक यदि बुझी बुझाई न पाइले मालिका मिछ बुझे मालिका मिछ बोली लोक ग्रहण करेंगे कितना मालिका मिछ नुह पंचसखा मान विरुद्ध कहार आमर से योग्यता ना जदि किए कहता पचरा जाऊ तू तुम्हें कौन कर तुम्हें ग्रंथ लिखी सी तो कैवर्त गीता गुरुभक्ति गीता लिखिले गरुड़ गोविंद गीता रुक्मिणी गीता केते गीता लिखिले केते शास्त्र लिखिले लक्षे लक्षे 84,000 ग्रंथ महापुरुष अच्युतानंद कौन तुम लिखी समाज में तुम अवदान कौन रही कहीं तुम आंगुठी उठे सी तुम कौन खाई से खाई पंचशक मैंने खाई जुगे जुगे से आभुंर सेवक ही प्रभु सेवक सी लिखिजे महापुरुष पामर मो अच्युत पामर सी से निजर इष्ट आराध्य रूप से भगवान को ग्रहण निजे कौन बाबा कहीना निजर परिचय समाज आगे देना आम बाबा परिचय देना आम जोगी देना मुझ जतींद्र लिखिजे महापुरुष शिव कौते अष्टगुजरे जो जगन्नाथ महापुरु पचारे कौन तुम दरकार कह कह ब्रह्मा इंद्र पद नईा ज्ञान ध्यान न इच्छा सप्तदीपे राजा होइबा यही पदन वंशा महाप्रभु कहले तोर कौन दरकार कह दपर जुग से तुम कौन दरकार ब्रह्मापद दरकार ना इंद्र आसन दरकार देदेवी दरकार ना आउ कौन दरकार कह सप्तदीपे राजा हबु दरकार ना आउ जोगी हबु जतना जोगी जत्रींद्र मु नोहिबि ब्रह्म ज्ञानी नोही साधु संत मुझे नोही पुणी नोही कवि अच्युतानंद कह जोगी हे जोगी हाँ बर मगुन जतींद्र मो हे साधु संत मध्य मोर केवल प्रभु मरण बेल को शरण तोर चरणी एव अच्युत बोले महाप्रभु परित्राण लभिव मरण बेलू शरण तोर चरण गोटे जिन मागे कवि कवि बोली एत ग्रंथ लिखिले कवि बोली निजर परिचय समाज में देना कि ये बड़ सिद्ध साधक महापुरुष सिद्ध साधक साधना मार्ग मध्यम निर्विकल्प समाधि नहीं बंचित अवस्था समाधि मुझे यही दिन मरवि कहीदेले केत बड़ जोगी चिंता करतु केत बड़ जोगी कौन कहले ज्येष्ठ सुकल ए कादशी पूर्णिमा जाए आशा अभय चरण मगई मोर यही भरोसा कौ दिन मरवि जे कही आम कही पार क्यों दिन क्यों भरोसा क्यों बेल मृत्यु कहूँ जा कहीं रोर नहिला हेतु लिखिले अष्टगुजरे क्यों दिन कहार मृत्यु केतबेल हम कहीं कही पारे किए कह से जोगी जी ही थी जोग मार्ग जापर जो मृत्यु कौद हम जी कहीदेपाला छोटिया लोक छोटिया लोक नु यही दिन मरवि शिष्य प्रशिष्यगर कहीदे तिथि यही मरवि चित्रपला नदी उत्तरे ग्राम ने माल स्थान से स्थान देह रहीब मोर यही धीया ये मरवि ये मो देह रही
ଏଇଦିନ ପରି କହିଥିଲେ ଯୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ହେଇ ମୋତେ ଯୋଗୀ ବୋଲି ସମାଜରେ ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ କେତେ ବଡ଼ କବି, କିଏ କବିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କବି ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ସମାଜ ଆଗରେ କରିନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର ଦିନ ହୀନ ତୁମ୍ଭ ସେବା କାହୁଁ ଜାଣିବି, ତୁମ୍ଭ ଭକତର ସେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଚାକର ଭକ୍ତ ତା'ର ସେବକ ଚାକର କରନ୍ତୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ କଥା ଯିଏ କହିପାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବି ନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବା ହେଇଥିଲେ ରଘୁରାମ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ନାଇଲୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଅଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଯଶବନ୍ଧୁ ଗାଦୀ ରଘୁରାମ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଝିଅ ଚମ୍ପାବତୀକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ। ଚାହିଁଥିଲେ ସେ କେତେ ଜିନିଷ ଦେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଦରକାର ନିଅ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆମେ ଦେବୁ। କୁହ ଆପଣ ତ ଯୋଗୀ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ ଧନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଭାବ ହିଁ ଲୋଡ଼ା ହେଲେ ମୋ ଧନ ଲୋଡ଼ା ଧନ ମାଗିନଥିଲେ କାହିଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଣିପାରିନଥାନ୍ତେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନେଇନଥି। ବର ଗଛ ତଳେ ଟିଣା ଆଜବେଷ୍ଟ ତଳେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ସମାଧି ପୀଠ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠଉଛେ, ପଞ୍ଚସଖା ଉପରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠଉଛେ, କାହିଁକି କେଉଁ ଅଧିକାର ଉଠେଇବୁ? ଉଠେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସିଏ ଠିକ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କେବଳ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ନୁହଁ, ଆଜି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ଯଦି ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି ୟା ପଛରେ ଅନେକଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ସେ ଅନେକଙ୍କ ଅବଦାନ ଭିତରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା କଳି ମହନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଥିଲା, ଆଜିକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବଢ଼ିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଇନି, କାହା ପାଇଁ ହେଇନି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଜଗିଲେ, ଏମାନେ ଜଗିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ, ଏଭଳି ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ, ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେଇଟା ଖାଲି ମାଳିକା ନାଁରେ କ'ଣ ପାରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ମାଳିକା ପଞ୍ଚସଖାନ ମାଳିକା କହିଛନ୍ତି, ମାଳିକା କହିଛନ୍ତି, ମାଳିକା ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ଏମିତି ଖାଲି ଡରେଇଛନ୍ତି ନା? କିଛି ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିଛି, ତାକୁ ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା, ବୁଝନ୍ତୁ ସେ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ଚିର ନମସ୍ୟ ଚିର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଙ୍ଗୀ, ସେମାନେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଂଶରୁ ଜାତ କହିଲେ ରଖିଲେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ନାହିଁ ରଖନ୍ତା, ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଭାସିଲି ଶୁଣି ହୁଅ ଚିନ୍ତା। ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଯଦି ମାଳିକାକୁ ନେଇ କିଏ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛି ଏଇଟା ଭୁଲ, କିଏ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା କଳିକି ଅବତାର ସତ କିନ୍ତୁ କୋଟିକଳ୍ପେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସେ ଭର୍ତ୍ତୀୟ ପରି, କୋଟିକଳ୍ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁଠି ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ ଅଗାଧ ସାଗର ନୁହେଁ ପାରାବାର ମହିମା କେ କହିପାରୁ, କୋଟି କହିପାରି କୋଟିକଳ୍ପେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସେ ଭର୍ତ୍ତୀୟ ପରି। ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନେ ଗାଇଚରେଲା ବେଳେ, ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଳିକି ଅବତାର ଜଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି କହିଦେବା ନା? ହଁ ଏ କଥା ଆମେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ ଯେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମଂଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ କରମଳା କରମଳା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିବକଳ୍ପନ ବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କହିବା ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ନାମ ହୋଇଥିବ ହେତୁ ରଖିବୁ କୁମାରେ, 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସର୍ବେ ଜୀବ ଖପରରେ, କରମଳା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇବ, ଥରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ଭଣାଇବ ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଠାକୁର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଠାକୁର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାବଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସେ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଲେଖା ଅଛି ସେ ତାର କଲେ, ସିଏ କଲେନି ଲେଖା ଥାଉ ନଥାଉ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ତା ଗୁରୁ ଭଗବାନ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍, ମୋର ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରେ ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ କିଏ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ନ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେଭଳି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଠାକୁର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାନିଲେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି? ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଭାବ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସେଭଳି ଠାକୁର ନିଗ ଆନନ୍ଦ ଆମେ କହୁଛେ ଛତିଆ ବଟକୁ ଯିବା ମଣିମା କହୁଛନ୍ତି, ଛତିଆ ବଟର ଆଶ୍ରିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ମଣିମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମଣିମା କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ମଣିମା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା
तुम ग्रहण कर मान आम कि समाज उपर नदी देवा यहाँ हूँ अपराध से गोटे कहले ठीक अच्छे किपटे आउ किसी लोक अच्छा से निजर स्वार्थ प्रति निजक पुह को कल्की बोली घोषणा कर मदमाछ मांस भक्षिणा थके होइबे दास ठक माने प्रभु होइणा बुली करिबे शिष्य बुझे लिखिले देखिले आगे लिखिले कलिकल्प गीता आपड़ पढ़े कलिकल्प गीता अठस्तर गीता भितर कलिकल्प गीता हूँ गोटे आप पढ़ जहाँ कौन से मद माछ मांस भक्षिणा थके होइबे दास ठक माने प्रभु होइण बुली करिवे शिष्य के ठक भंड माने चतुरपण देखेगी कूक किमिया देखेगी सब लोक ठकिक निज भगवान बोली कहे कि गोटे कथा प्रभु राम जी प्रकृत भगवान सी निजुक भगवान बोली कहीकि समाज जगह प्रतिपादित करना कहीं जितेबाला ऋषिमुख पर्वत निकट में लुचिकी रही थे ऋषिमुख पर्वत किए सुग्रीव ये सब राम लक्ष्मण वनवास समय आसी जा पहुँची थे 14 वर्ष वनवास समय ऋषिमुख पर्वत निकट सुग्रीव पठेल हनुमान जहाँ देखिया बाड़ी पठे कि सी पचारा आप किए परिचय दे भगवान बोली कहीकि परिचय देना आम अयोध्या राजा दशरथ नंदन राम कृष्ण को से समय द्वापर युग भगवान बोली आंगुठी गणती केतक लोक जाते सी निजक भगवान बोली कही बुझे कि कही ना तेणु आज जी कड़ी जुगर निजी भगवान बोली कहूँ अच्युतानंद महापुरुष भाषा जी आत्म प्रशंसा करवा आत्महत्या सहित सामान चैतन्य चरितमृत प्रसन्न दास गोस्वामी लिखिले अवतार कहे ना आमी अवतार जी अवतार प्रकृत निजी अवतार बोली कह जाना कमी ना मुनि सब जानीपे लक्षण विचार मुनि सब लक्षण जानपर तेणु लक्षण जदि ना तो अवतार बोली कहीं कह ठीक 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 कहवा ना तेणु ये है कथा तेणु आज जी समाज महापुरुष कहले शिष्या कर नारी मान को बोलुवे राधा क्यों जेहु गुरु से हो कृष्ण टी तोते मोर सरधा मोते कृष्ण बोली भाविले तुई हेबू कारण शिष्या करी पुणी रमिबे कही मायावचन मायावचन कहीकि भंड रूपे भंडुवे शिष्य पुणी ब्रह्म एकाक्षर ब्रह्म गुणानन जाणी भंड रूपे भंडुवे शिष्य को जे पुणी शिष्य को कहे देख ब्रह्म एकाक्षर तोर पत्नी मोर पत्नी एका समतुल ये बड़ी पद महापुरुष अच्युतानंद लिखिजे भिक्षा डंगा गोटा कहे भिक्षा डंगा गोटा बुढ़ाई देवे मिथ्या कथा कही शिष्य करे कहे देख आंबे अवतारिक गदा पद्म चिन्ह मो पाखे देख कह देख मो देह भाया चिन्ह मो भगवान अवतार विषय अच्युतानंद कही भंड ठक पाख मार ना सतर्क कर तापर भी किंतु किसी लोक जापार ना हाँ। जो चक्रव्यूहर पे शिकार हो समस्या कार ना समस्या कार ना आप मोर भी समस्या अच्छे हाँ। भाई भी समस्या अच्छे समस्या कार पु हो 10 वर्ष पु हो जीव कड़े डाक्तर पाखु फेल हो सारा सी खोजला कौट कौ बाबा अच्छा प्रचार बेस अच्छी कौ बाबार चमत्कार किसी करदे कौ बाबार प्रभाव इकना अच्छी वर्तमान समय समय कहार बेस प्रभावशाड़ी बाबा किए दौड़ा से कहार झी आसी 30 वर्ष आई पारे से दौड़ा चारिड़े जो दौड़ दौड़ जोता घोरी गला 30 जिला बुल बुलि से दौड़ा से चाकरी हो कार घर छात पड़े कार जमीवाड़ी बद लगे छेड़ी पार नहीं बहुत टाँग घर चला से दौड़ला आईया हम बोल कि महापुरुष लिखिं बुझे किंतु यार परिणाम हूँ आप जानतु जे महापुरुष मैंने लिखिंट जे अधर्म धन बढ़े बहुत गला बेले जाए मूल सहित तेणु ये अधर्म आकार जो धर्म धन आप कमी कि बर्तमान गोटे इमित जुग पर समय चली आउ थे आप भविष्य कथ आड़ नहीं महापुरुष अच्युतानंद महापुरुष केवल नुहत फ्रांस भविष्य नोस्ट्राडमस भविष्यवाणी प्रोफेसर हरार जन डिक्सन सन्त सोरदार लिखिले रे मन धीरज क्यों धरे संत सूरदास गोटे ग्रंथ हूँ सूर सागर से लिखिले रे मन धीरज क्यों न धरे संबत 2000 के ऊपर से जोग पड़े पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे अकाल मृत्यु जगमाई व्यापी प्रजा बहुत मरे दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे काट दे यही परिस्थिति संसार सृष्टि कितु या पर पृथ्वी ध्वंस होना या पर सहस्र वर्ष तक सतयुग बीते धर्म की बेल बढ़े या पर हजार वर्ष पर्यंत सत्ययुगर वातावरण संसार सृष्टि स्वर्ण फल बन पृथ्वी पर फुले सुनार फल फुल पृथ्वी
ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଫୁଟିବ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଜଗତଗୁରୁ ଆଖ୍ୟା ନେବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଭାରତ ନିକଟରେ ମଥାନତ କରିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଏବଂ ଇଏ ସୁରଦାସ କହୁଛନ୍ତି ହରିକି ଲେଲା ତାରେ ନ ହିଟରେ ହରିଙ୍କର ଲେଲା, ଆଉ କେହି ବଦଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଖଣ୍ଡି, ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଧୂର୍ତ୍ତ, କେତେକ ଆଜି ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧର୍ମ ପଡ଼ିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧର୍ମର ଲଗାମ ରହିଛି କେତେକ ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଧାର୍ମୀୟ ସଂଗଠନକୁ ପଶି ଆସୁନି ଧର୍ମକୁ। ରାବଣ ସେଥିରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ରାବଣକୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆପଣ ସୀତା ଯେଉଁ ହରଣ କଲେ, ହରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ରାମଙ୍କ ବେଶ ହୋଇଗଲେନି, ଆପଣ ରାମଙ୍କ ରୂପ ହୋଇଗଲେନି, ଆଉ କେଉଁ ରୂପ ହୋଇଗଲେନି, ଇଏ ବାବାଜୀ ରୂପ ହୋଇଗଲେ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଗଲେ, ଆଉ ଗେରୁଆ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ପାଇଲେନି। ରାବଣ କହିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ତୁ ମୂର୍ଖ, ଯେ ମୁଁ ଗେରୁଆ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାହିଁ ଗଲି ସାଧୁ ବେଶ ହେଇ, ନା ମୁଁ ସମାଜକୁ ଚେତେଇଲି ଯେ ଏଇ ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ପଛପଟେ ଭିତରେ ଯେ ସବୁ ସାଧୁର ଚରିତ୍ର ନାହିଁ, ଇଏ କେତେକ ଧୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ସାଧୁ ଭଣ୍ଡ ନୁହଁ, କେତେକ ଭଣ୍ଡ ମାନେ ସାଧୁର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କଳିଯୁଗରେ ବୁଲିବେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେଇକି ଥିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ଭଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଇଏ କରୁଛି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ପାଇବେ, ଆଗକୁ ଇଏ ଟେଲର ଆହୁରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ହେବ।